युवा नेता और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान जैसे शब्दों पर बैन लगा दिया जाए तो फिर देखते हैं बीजेपी वोट कैसे मांगती है। दरअसल हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर के माध्यम से बीजेपी पर यह निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि 2019 के इलेक्शन में सिर्फ 5 शब्दों को बैन कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, फिर देखिए मजा। बीजेपी के नेता क्या बताकर वोट मांगेंगे, जनता को किस विकास का हवाला देंगे, क्या नीतियां समझाएंगे और कैसे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी और सरकार की नीतियों के खिलाफ अक्सर आलोचना करने वाले हार्दिक पटेल ने हाल ही में महाराष्ट्र में चल रहे दूध हड़ताल के लिए प्रदर्शनकारियों का भी समर्थन किया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि हार्दिक पटेल आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।